पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप टीम्स के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया है। मेंटोर्स में मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनस शामिल हैं, जबकि मेंटोर्स का जो तकरर है वो 3 साल के लिए किया गया है। मेंटोर्स का पहला असाइनमेंट 12 सितंबर से फैसलाबाद में शेड्यूल चैंपियंस वनडे कप होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि 5 मेंटोर्स उभरते हुए क्रिकेटर्स की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पीसीबी की जानिब से जो चैंपियंस कप की टीम के हवाले से ये मेंटोर्स का ऐलान सामने आया है, 5 मेंटोर्स लाने का, जिसमें मिसबाह उल हक शामिल हैं, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनुस भी शामिल हैं, पीसीबी के इस इकदाम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक इनिशिएटिव इसको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वापस रिवाइव का किया, अच्छी चीज है, क्योंकि जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं आपके सामने है, पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, डोमेस्टिक का रिवाइवल जो उनसे इंपॉर्टेंट है, आपको नजर आता है कि लड़के ज्यादा लंबी फॉर्मेट क्रिकेट नहीं खेलते, 4 डे छोड़ के ज्यादा T20 पे ज्यादा फोकस करते हुए हैं, तो रिजल्ट आपके सामने आएंगे। मेंटोरशिप की बात करें, मेंटोरशिप इतना इंपॉर्टेंट एक रोल होता है किसी भी डेवलपमेंट टीम के अंदर, क्योंकि जो भी यंगस्टर होता है जब वो ड्रेसिंग रूम करता है, फिर उसके जब हीरोज उसके साथ होते हैं, उसकी तरह वो सीखता है कि मैंने क्या करना है, किस तरीके से अपना बैकपैक के अंदर मैं क्या रखता हूँ, अपनी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा हैरानगी मुझे 2 नामों पर हुई थी, तो सरफराज अहमद की, क्योंकि सरफराज अहमद अभी तक रिटायर नहीं हुए, ऑफिशियली ना रिटायर वो हुए हैं, पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी है, तो उनको मेंटोरशिप रोल पे कैसे डाला गया? क्योंकि मेंटोरशिप मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट होती है Under-19 लेवल के ऊपर, क्योंकि वहां से लड़का ग्रूम करके बड़ी स्टेज के ऊपर आता है। इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर जहां पर लड़के पहले ही ग्रूम्ड हैं, मैं एग्जांपल अगर बाबर आजम की बात करूं, रिजवान की बात करूं, तो उनको मेंटोरशिप की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ अपना गाइडेंस की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा मुझे हैरानगी थी सरफराज अहमद का सर मेंटोर लेके आना। दूसरी मुझे सबसे बड़ी हैरानगी थी वो थी शुएब मलिक को फिर लेके आना। शुएब मलिक की अगर बात करूं Under-19 लेवल पे जब जूनियर कप हुआ था उसके अंदर मेंटोरशिप थे, वो मुझे समझ आती है, लेकिन स्टिल वही मैंने कहा ना कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, उनको आप कैसे अपना इसमें मेंटोर लेके आते हैं। लेकिन चले जो भी है, लेकिन अच्छी चीज है एटलीस्ट एक टूर्नामेंट जो उनसे वो पहले September 3 को स्टार्ट हो, लेट September के अंदर स्टार्ट होगा, कम अज कम लड़कों की डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट कुछ सोच जा रहा है। लेकिन बदली आपको पता है बहुत से बंदे किए हुए हैं और खुद भी कह चुके हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को मैं आपको लिटरली चेंज करके दूंगा, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं किया जाएगा तब तक आपको पता सारी की सारी बातें ही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।